अपने शहर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए आज ही अकोला न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, मैं राजेंद्र किशोर श्रीवास, GTPL ANN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस चुनाव के परिणाम की ओर पूरे महाराष्ट्र की नज़र लगी हुई है, उस चुनाव की मतगणना अमरावती में शुरू हो गई है। अमरावती पदवीधर मतदाता संघ में इस बार 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सही लड़ाई अगर कहे तो भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल और महाविकास आघाड़ी के धीरज लिंगाड़े के बीच में थी। इस चुनाव का परिणाम क्या होगा यह आपको कुछ ही समय में दिखने वाला है। विशेष बात यह है कि इस बार चुनाव का परिणाम जो भी होगा वो राजनीति में फेर बदल लाने वाला है। विशेष बात यह है कि इस बार पदवीधर मतदाता संघ के चुनाव होने के बाद भी पदवीधर मतदाताओं ने इस चुनाव में काफ़ी कम प्रतिशत वोट किया है, जिसके कारण जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसका प्रतिशत काफ़ी कम रहेगा। विशेष बात यह है कि इस चुनाव का क्या परिणाम होता है यह आपको देर रात तक पता ही चल जाएगा। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के नतीजे की उत्सुकता राजनीतिक क्षेत्र सहित आमजनों में ही देखी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से अमरावती के नेमानी गोदाम में वोटों की गिनती शुरू की गई है। 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला चंद घंटों के बाद ही सामने आ जाएगा। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज दिखाई दे रही है। स्ट्रांग रूम में सील की गई मत पेटियों को सुबह से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेमानी गोदाम में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को 2,06,172 स्नातक मतदाताओं में से कुल 1,02,403 मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर अपना वोट दिया था। इस चुनाव मैदान में उतरे भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल, महाविकास आघाड़ी के धीरज लिंगाड़े सहित अन्य 21 उम्मीदवारों को मतदाताओं ने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद का वोट दिया। मतगणना स्थल पर उम्मीदवार के प्रतिनिधि, मतगणना अधिकारी एवं कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी को भी मतदान स्थल पर 100 मीटर परिसर में एंट्री नहीं दी गई है। चुनाव निर्णय अधिकारियों द्वारा उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधियों के लिए अधिकृत पास जारी की गई है। मतदान होने के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर मतगणना पूरी होने तक पुलिस आयुक्त, 2 उपायुक्त, 3 सहायक आयुक्त, 4 पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में 14 PSI, 161 पुलिस कर्मचारी, SRPF के 2 प्लाटून तैनात किए गए हैं, जो दिन रात स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। नेमानी गोदाम में 29 टेबलों पर गिनती शुरू की गई है। सबसे पहले 25-25 के गट्ठे तैयार किए जाएंगे, उसके पश्चात एक एक कर 1,000 बैलेट पेपर की गिनती शुरू की गई है। यदि पहली पसंद के वोटों का कोटा कोई उम्मीदवार पूरी नहीं कर पाता है तो दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा।